आज हम हिंदी विषय में हिंदी साहित्य और कला इस कविता से कवि शैल चतुर्वेदी जी की कविता पढ़ेंगे समझेंगे। कविता का नाम है देश के लिए नेता। सबसे पहले मैं कविता का कवि का परिचय पढ़ती हूँ। शैल चतुर्वेदी का जन्म 29 जून 1936 को अमरावती महाराष्ट्र में हुआ। अपने सागर विविध से बीए की उपाधि प्राप्त की। आप भारत में एक हिंदी भाषा के कवि, व्यंग्यकार, हास्यकार, गीतकार और अभिनेता के रूप में जाने जाते थे। हिंदी हास्य कवि मंच में मूर्धन्य हस्ताक्षर, जिनकी उपस्थिति मात्र में ही श्रोता रोमांचित हो जाते थे और उनकी रचनाओं को सुनकर वंस मोर का शोर मचाते थे। वे संपूर्ण रीति से देश में काव्य मंचों से काव्य पाठ किया। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी अभिनय, नृत्य, बांसुरी तथा हारमोनियम बजाने में दक्ष थे। बचपन से ही उन्हें नाट्य कला एवं फिल्मों के प्रति अद्भुत आसक्ति थी। रचना संसार, चल गई बाजार का ये हाल है, हंसी आती है, काव्य संग्रह प्रकाशित, देश की सभी प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में रचनाओं का प्रकाशन। इसके अलावा दूरदर्शन एवं आकाशवाणी पर रचना पाठ, कविता भजन आदि के अनेक ऑडियो कैसेट प्रसारित, उपहार, चित्तचोर, चमेली की शादी और करीब आदि 20 से अधिक फिल्मों तथा श्रीमान श्रीमती, जबान संभाल के, कुछ भी हो सकता है, ब्योमकेश बख्शी, कक्का जी कहिए कहीन आदि धारावाहिकों में जोरदार अभिनय किया, जिसे दर्शकों ने पसंद भी किया और खूब सराहा। और उनका निधन हुआ है 29 अक्टूबर 2007। सबसे पहले हम काव्य का सार पढ़ेंगे। प्रस्तुत कविता में नेता को सर्वोपरि मानते हुए कवि ने कहा है कि नेता से ही सब कुछ है देश में, अंततः देश के लिए नेता ही बहुत जरूरी है। आखिर में कवि नेता को नेता की वजह से सब कुछ होने की संभावना ही बताया देता है कि वो सिद्ध करता है कि नेता देश के लिए कितना जरूरी होता है। नगर के लिए, प्रांत के लिए नेता जरूरी होता है। कुल मिलाकर देश के लिए भी नेता जरूरी होता है। कवि शिद्दत से महसूस करता है कि देश, शहर, गांव के लिए नेता कितना जरूरी होता है। सबसे पहले मैं यह कविता पढ़ूंगी, देश के लिए नेता। देश के लिए नेता, नेता के लिए अक्ल, अक्ल के लिए घी, घी के लिए मक्खन, मक्खन के लिए दूध, दूध के लिए गाय, गाय के लिए नोट, नोट के लिए वोट, वोट के लिए वोटर, वोटर के लिए मोटर, मोटर के लिए दौरा, दौरा के लिए भत्ता, भत्ते के लिए भाषण, भाषण के लिए जनता, जनता के लिए वादे, वादों के लिए मांग, मांग के लिए सिंदूर, सिंदूर के लिए नारी, नारी के लिए परिवार, परिवार के लिए बंगला, बंगले के लिए नगर, नगर के लिए प्रांत, प्रांत के लिए देश और देश के लिए नेता। इस तरह से बहुत ही सुंदर और मार्मिकता से कवि ने नेता का वर्णन, या नेता अपने जीवन में, गांव में, शहर में कैसे जरूरी होता है, उसका वर्णन और चित्रण इस कविता में किया है कि हर एक एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, कि देश के लिए नेता बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कि जो वो देश की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले। और ये जिम्मेदारी लेने के लिए नेता के पास सबसे बड़ी बात होनी चाहिए, वो है अक्ल, सूझबूझ, समझ, उससे ही देश चल सकता है। और ये अक्ल आने के लिए खाने पीने की चीज़ें होना, घी मक्खन होना ज़रूरी होता है। अगर घी मक्खन नहीं होगा तो अक्ल भी नहीं आएगी। और ये घी और मक्खन ये किससे आता है, तो वो घी मक्खन से बनता है और मक्खन दूध से बनता है। हर एक एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते। अगर घी नहीं होती तो अक्ल नहीं आती, और मक्खन नहीं होता तो घी नहीं बनती। और ये जो मक्खन होता है वो दूध से बनता है, और ये दूध जो होता है वो गाय से आता है।
तो हमें समाज की ये सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नेता का वर्णन किया है कि ये जो गाय है ये नोटों से आती है। अगर नोट नहीं होते तो गाय खरीद के नहीं ला सकते, उससे दूध नहीं मिलता, दूध से मक्खन नहीं मिलता, मक्खन से घी नहीं होता, और ये घी खाकर पीकर नेता अकलवान या बुद्धिवान नहीं होता और वो देश नहीं चलाता। इस तरह से हर एक चीज़ एक दूसरे के ऊपर आधारित होती है। और ये जो नोट होते हैं वो वोट पाकर आते हैं, जो वोटर है जो वोट देते हैं उनसे वो नोट मिलते हैं। और ये जो वोटर के लिए हमें मोटर देनी ज़रूरी होती है, जो मोटर के साथ वो दौरा लगाकर यहाँ वहाँ घूमकर अपने वोट मांग सकता है और भत्ता मिलता है। और ये भत्ता वो लोगों को मिलता है जो नेता के पीछे होते हैं, भाषण देने वाले नेता के पीछे होने वाली जनता जो होती है उनके ऊपर वो निर्धारित होता है। और ये नेता कैसे बनता है? जब जनता की वो वादे मांगे पूरी करता है उससे ही वो नेता बनता है। अगर वो जनता की वादे मांगे पूरे नहीं करता है तो वो उनको वोट नहीं देगी और वो नेता नहीं बनेगा। और जो नेता है, जो लोग जनता है, उनकी मांग जो होती है, मांग के लिए सिंदूर होता है, और सिंदूर जो होता है उन्होंने शब्दशः वहाँ पे अर्थ लिया है, मांग यानी उनकी इच्छा है। यहाँ पे मांग यानी स्त्री या नारी की मांग का वर्णन यहाँ पे किया है। और ये जो मांग होती है उसमें सिंदूर भरा जाता है, और वो सिंदूर जो है वो एक पुरुष से होता है, एक नारी का सिंदूर वो अपना परिवार अपना पति ये होता है। तो ये परिवार पालने के लिए उनके पास घर और बंगला होना चाहिए, और बंगले के लिए एक नगर और नगर के लिए एक प्रांत देश होना चाहिए। और ये देश के लिए, ये देश को संभालने के लिए, समाज को प्रांत को समाज संभालने के लिए एक नेता होना ज़रूरी होता है। और ये नेता होने के लिए इतनी सारी ज़रूरतें और इतनी सारे बातें ज़रूरी होती है, उससे ही एक अच्छा नेता बन सकता है। जैसे कि वो ये जो नेता है वो अपने समाज की बहुत सारी जिम्मेदारियां है वो अपने ऊपर ले सके, और ये जिम्मेदार जो नेता है वो समाज के लिए कुछ कर पाए, इसके लिए उसके पास अकल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समाज चलाने के लिए जो एक प्रकार का ढंग और टैक्ट है वो उसके पास होने के लिए ज़रूरी है। तो ये घी मक्खन दूध गाय ये सब कुछ है, इसमें एक प्रकार का लालच भी है कि अपने जीवन में लालची नहीं होना चाहिए, कि अपने को वोट मिले इसके लिए सब कुछ नहीं करना चाहिए। तो समाज की जनता की मांगे पूरी हो जाए, उनकी जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाए, तो ये जो नेता है वो अकलमंद और अच्छा होने के लिए उसको घी यानी उसके पास सब कुछ होना बहुत ज़रूरी है। घी के लिए मक्खन, मक्खन के लिए दूध, दूध के लिए गाय, नोट वोट ये सब कुछ जो बातें बताई है ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर होती है। अगर ये सब कुछ नहीं होता है तो एक अच्छा नेता देश के लिए नहीं होता है। इसलिए जो नेता होता है जो खुद को देश के काबिल समझता है, देश की समाज की सेवा के, उसने निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए, कि अपने फायदे के लिए या अपने के अपने खुद के लिए उसने ऐसे काम नहीं करने चाहिए। तो उन्होंने जनता जनता की मांगे, देश के सुधार की कैसे हो जाए, अच्छी अच्छी चीज़ें देश में कैसे लाई जाए, देश में से समानता होनी चाहिए, भेदभाव कैसे दूर हो जाए, कैसे मिट जाए, इस तरह से अच्छा सुझाव और अच्छी बातें नेता के अंदर होनी चाहिए। नेता की जो क्वालिटी है वो बेहतर होनी चाहिए, सिर्फ वो वादे करने की करना इतना ही नहीं होना चाहिए, तो उसके हिसाब से उसने अपना जो बर्ताव है वैसे रखना चाहिए, उनकी मांगे पूरी करनी चाहिए, आश्वस्त होना चाहिए। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया है कि उसको अकल आने के लिए घी खाना बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो घी है ये दो तरह का है, एक तो नेचुरल घी जो हम हमारे खाने में उपयुक्त है, और दूसरा घी यह है कि एक प्रकार का लाच लुचपत या रिश्वत, इस तरह से बोला है कि जब तक उसे नहीं मिलती तब तक वह नेता देश के लिए तैयार नहीं होता है। तो कवि ने इस कविता से ऐसे नेताओं के ऊपर प्रताड़ना की है, कि व्यंग चढ़ाया है कि हमारा जो नेता है वो लालची नहीं होना चाहिए, रिश्वतखोर नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए और
देश के कल्याण के लिए जो भी करोगे वो देश के लिए होना चाहिए, और उनकी सेवा जो है वो निस्वार्थ होने चाहिए। ऐसे नेता के बारे में कवि ने बहुत ही सुंदरता से और मार्मिकता से इस कविता में चित्रित किया है कि देश का नेता कैसे होने चाहिए। जैसे कि उन्होंने अभी इस छोटी सी कविता में, लेकिन बहुत सारा अर्थ इसमें भरा पड़ा है, बहुत सारा अर्थ इसमें दिया है कि देश के लिए नेता, नेता के लिए अक्ल होना बहुत ज़रूरी है। अक्ल के लिए नेता को घी खाना बहुत ज़रूरी है, घी के लिए मक्खन होना बहुत ज़रूरी है। अगर मक्खन नहीं है तो घी नहीं होगा, और ये मक्खन भी दूध से मिलता है, दूध से तैयार होता है। इसके लिए दूध होना ज़रूरी है, और दूध के लिए गाय होना ज़रूरी है, और गाय के लिए नोट, अगर नोट नहीं होगे तो गाय खरीद नहीं पाएंगे। इस तरह से हमारे सामाजिक जीवन में भी सब बातें एक दूसरे के ऊपर इसी तरह से निर्भर होती है, फिर देश का नेता तैयार हो जाता है। तो ऐसे नेता देश में अगर होते हैं कि जो खुद के स्वार्थ के बारे में सोचते हैं कि हमको ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए तब मैं देश का नेता बनूंगा, तो देश की प्रगति कभी भी नहीं हो सकती है। तो देश का नेता ये निस्वार्थ होना चाहिए, देश के लिए होना चाहिए, कि वोट के लिए वोटर, वोटर के लिए मोटर, मोटर के लिए दौरा, दौरे के लिए भत्ता, भत्ते के लिए जनता, और जनते के लिए मांग, मांग के लिए सिंदूर, सिंदूर के लिए नारी, नारी के लिए परिवार, परिवार के लिए बंगला होना चाहिए रहने के लिए, बंगले के लिए नगर, नगर के लिए प्रांत, प्रांत के लिए देश, और देश के लिए नेता। अगर नेता ये सब चीज़ें देखे कि मुझे मुझे अक्ल आने के लिए घी चाहिए, मक्खन चाहिए, गाय, घूमने के लिए गाड़ी, मेरे बेबी बच्चों के रहने के लिए बड़ा सा बंगला होना चाहिए, ऐसी सोच अगर वो रखता है तो वो देश की प्रगति कभी भी नहीं कर पाएगा। तो उसने खुद के बारे में कम सोचते हुए समाज और देश की प्रगति के बारे में सोचना अत्यधिक आवश्यक होता है। आशा करती हूँ ये जो कविता मैंने पढ़ी है और आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। आप भी यह कविता एक दो बार पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।